वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे मुंबई से आ रही है। मुंबई में आग लगने की खबर सामने आ रही है एक 20 मंजिला इमारत में। आपको बता दें कि मुंबई के भाटिया हॉस्पिटल के ठीक सामने ये बिल्डिंग है, ये इमारत है जहां पर आग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौके पर 13 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। 20 मंजिला इमारत में यहां पर आग लगी है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जहां पर मुंबई के 20 मंजिला इमारत में, एक 20 मंजिला इमारत है जो कि भाटिया हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, वहां पर ये आग लग गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि मुंबई के एक भाटिया अस्पताल है मुंबई में, जहां पर उसके ठीक सामने एक 20 मंजिला इमारत में आग की खबर सामने आ रही है। मुंबई में लगातार आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसी एक घटना आज सुबह हुई है जहां पर मुंबई के तारदेव इलाके में एक 20 माले की बिल्डिंग में आग लग गई है। हम वहीं खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये 18वां और 19वां फ्लोर है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है कि आग को किसी तरह बुझाया जाए। अंदर की साइड जो है ये आग लगी है, 20 माले की बिल्डिंग है। कम से कम 13 फायर इंजिन्स यहां पर मौजूद हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए। लोग यहां जो हैं वो भी फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 3 लोग जो हैं इस पूरी आग में इंजर्ड हुए हैं, जिनको निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया है। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, आप देख सकते हैं आसपास सिर्फ आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी। और यहाँ पे नजदीकी में भाटिया हॉस्पिटल है जो मुंबई का प्रख्यात हॉस्पिटलों में से एक माना जाता है। मुंबई पुलिस पहुंची है, फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है, अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं फायर ब्रिगेड के। और 18वां और 19वां माला है जहां से लोगों को अभी निकाला जा रहा है। अंदर फंसे हुए हैं अभी भी कुछ लोग। एग्जैक्ट संख्या जो है अभी तक नहीं बताई गई है, आधिकारिक पुष्टि जो है इसकी नहीं की गई है, बट कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा कि जल्द से जल्द वहां से लोगों को निकाल लिया जाए और जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। यहां पर अभी 13 फायर इंजिन्स मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल 3 की आग है और फायर ब्रिगेड यहां पहुंच गई है और जल्द से जल्द जो है आग बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की जारी है। लेवल 3 की आग है, लोग पहुंच गए हैं, मुंबई पुलिस यहां सतर्क है और फायर इंजिन लगातार कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की। कैमरामैन स्वराज के साथ पारस दामा, आज तक। और सीधे हम मुंबई के रुख करते हैं। हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, इस वक्त क्या अपडेट है सबसे पहले ये बताएं, और ये भी बताएं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कि आखिर ये आग लगी कैसे। अश्वता, 7:30 के आसपास जो है यहाँ पे आग लगी थी, जब उसके बाद जो लोग रहते हैं आसपास उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करके फायर ब्रिगेड 15 मिनट के ही समय में यहाँ पहुंच गए और आग बुझाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की। अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पता नहीं चल पाया है कि आग जो है क्यों लगी, मगर किशोरी पेडनेकर जो मुंबई की मेयर है, कुछ देर पहले आज तक से उन्होंने बात की और तब बताया कि फायर ब्रिगेड का कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग यहाँ लगी थी। लगातार फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच रही है, 13 गाड़ियां सुबह यहाँ पहुंची थी, अभी भी फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां यहाँ पहुंच रही हैं। आग को जरूर बुझा लिया गया है बट धुआं बहुत ज्यादा है। कुछ लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, और कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहीं इस बिल्डिंग के नजदीकी जो है हॉस्पिटल है, भाटिया हॉस्पिटल है, मुंबई का मशहूर हॉस्पिटल है, वहां पे लोगों को ले जाया गया है। कुछ तकरीबन 6 लोग जो है इस आग में इंजर्ड हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनको यहाँ से भाटिया हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, तुरंत यहाँ से जाया गया था। ऐसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर जारी है। यही बिल्डिंग थी, 18 और 19 फ्लोर पे आग की शुरुआत हुई। मेयर का मानना है, मेयर का ये कहना है मुंबई की, कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, बट अभी भी आधिकारिक पुष्टि फायर ब्रिगेड द्वारा ये नहीं की गई है कि आग लगने का कारण क्या था, मगर अभी भी फायर ब्रिगेड कोशिश कर रही है कि लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए जल्द से जल्द और जितने भी लोग इंजर्ड हुए उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और इसी में 6 लोगों को हॉस्पिटल सचना हाइट्स को आग लगी, भाटिया हॉस्पिटल के एकदम सामने। जब ही मैं आई, मैं और अरुण दुधवड़कर, तभी 6 लोग को पहले ही लेके गए थे और 4 लोग को हमारे सामने लेके गए। तो मुझे लगता है आग में धुआं के कारण जो उनको सफोकेशन होता है उस कारण वो डर गए, और बहुत सी लोग ओल्ड सिटीजन है और उनको भाटिया में लेके गए। अभी भाटिया हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर के साथ अरुण दुधवड़कर ने बात की तो पता चला है कि अभी भाटिया के बेड फुल हो गए, किसी को जरूरत है तो आजू बाजू के बेड में भेजना पड़ेगा।
वो भी हमारी बातचीत चालू है और अभी जो फायर था वो कंट्रोल में आ गए, लेकिन धुआं बहुत है।